जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग 20 जिलों में भर्ती करेगा और वहीं बताया गया है कि लगभग 17 नवंबर से काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और फरवरी तक आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है आज की अपडेट और आइए जानते हैं क्या यहाँ पे पीवी ने बता रखा है और क्या यहाँ पे जाने प्राथमिक शिक्षक के लिए अपडेट है। तो चलिए फिर यहाँ पे आप एक कोटेशन से चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, कहा जा रहा है कि अगर सफल होने का जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपकी राह नहीं रोक पाएगी। तो क्या खूबसूरत यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया है दोस्तों। आइए इसी कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और एक बात मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहो अवेयर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग 20 जिलों में करेगा भर्ती, 17 नवंबर से काउंसलिंग और फरवरी तक आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 18,527 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग की संयुक्त ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी। सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI ने गाइडलाइन के पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं आगे बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 7,427 पदों पर भर्ती होगी और यह सभी पद सिर्फ 20 जिलों के स्कूलों के हैं, मतलब यहाँ पे पूरे जिलों के कहीं ना कहीं रिक्तियाँ नहीं दिखाई गई हैं। इसमें 1856 पद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अति शिक्षकों के लिए रिजर्व है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 नहीं बल्कि 1,856, यानी कि 1,856 करीब करीब ऐसे वो सीट्स हैं जो अति शिक्षकों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। आगे बताया गया है, यानी 5,573 पद ही पूरी तरह से सीधी भर्ती के पद हैं। इन पदों पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाइड उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। फरवरी 2023 तक आखिरी चयन सूची जारी कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। पोस्टिंग के लिए खाली पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों विभागों के स्कूल शामिल होंगे। संबंधित विभाग की प्रवर्ग वर्ग खाली पदों के आधार पर मेरिट क्रम से उसे जो स्कूल आवंटित होगा वह स्कूल जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग में नियुक्ति दे दी जाएगी। मतलब चाहे आप DPI के थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा हो या जनजाति विभाग के थ्रू, तो आपको जहां भी होगा वहां पे आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके अलावा बताया गया है कि किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा, मतलब अगर आपको कोई विभाग मिल गया है तो उसमें चेंजेस होना संभव नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि इसलिए कैंडिडेट को न्यूनतम 50 या इससे अधिक स्कूलों का विकल्प चयन करने की सलाह दी है, यानी कि जब आप स्कूल का चयन करें तो कम से कम 50 तो कम से कम करें या फिर उससे ज़्यादा ही करें, क्योंकि अगर इनमें से स्कूल नहीं मिला तो हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए, इसलिए आपको मैक्सिमम स्कूल का चयन करना है। आगे बताया जा रहा है कि तो मेरिट एवं जिलेवार कैटेगरी के हिसाब से विभागवार रिक्तियों के क्रम में विकल्प न मिलने पर विभाग रिक्त पदों पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। अभी जनजाति कार्य विभाग ने पदों की संख्या जारी नहीं की है, मतलब अभी जनजाति विभाग ने कोई भी पद रिक्तियां जारी नहीं करी हैं, ये सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग का है और उन्होंने लगभग आप कह सकते हैं कि जो भी पद उनके अंडर आ रहा है वो सारे पद उन्होंने यहाँ पे जारी कर दिए हैं, लेकिन जो यहाँ पे कार्य विभाग यानी कि जनजाति कार्य विभाग है उन्होंने अपने पदों की संख्या भी एक तो बता दी है 11,000 समथिंग है, लेकिन उन्होंने रिक्तियाँ नहीं बताई है कि किस जिले में कितनी हैं। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, ये भी देख सकते हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 17 नवंबर से 24 नवंबर तक अति शिक्षकों की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन होगा। 28 दिसंबर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। लगभग 8 दिसंबर को कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है, मतलब किसका हुआ किसका नहीं हुआ, वो अपडेट कर दी जाएगी। 9 से 16 दिसंबर तक सत्यापन के लिए दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन होगा और जनवरी में सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा। जनवरी कैंडिडेट द्वारा स्कूल विकल्प चयन की प्रक्रिया होगी और फरवरी 2023 में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मतलब फरवरी तक में आप स्कूल के
अध्यापक या शिक्षक बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। और कहीं ना कहीं ये आप इधर भी देख सकते हैं, लगभग 1856 अति शिक्षकों के लिए सभी पद हैं, और इसके अलावा ये समान कैंडिडेट के लिए 5573 पद हैं। और ये जिले के आधार पर आप इनको देख सकते हैं कितने कितने पद दिए गए हैं। और यहाँ पर जो बच्चे कह रहे थे कि 21 वर्ष या क्या होगी, जो जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, तो उनके लिए थोड़ी राहत की बात है। कहा गया है 9 दिसंबर तक कैंडिडेट को पास होना चाहिए, लगभग 9 दिसंबर के पहले पहले आपको पास होना चाहिए, और शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। क्या बात है यहाँ पे, तो देख सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज अपलोड करने की तारीख 9 दिसंबर तक कैंडिडेट को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता होना अनिवार्य होगा। ऐसे में उन डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को राहत मिली है जिनकी सेकंड ईयर की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी मौसम ने देरी से कराई और अभी तक रिजल्ट अटक गया है। मौसम को दिसंबर के पहले रिजल्ट या मार्कशीट उपलब्ध करानी होगी। उधर इस भर्ती में न्यूनतम 21 वर्ष की आय पूरी कर चुके कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे। आय की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2022 तक में आपकी एज 21 वर्ष हो जाती है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड माने जाएंगे, या यूं कह लीजिए अगर आप पात्र हैं तो फिर आपको ले लिया जाएगा। इसके अलावा कहते हैं कि ऐसे में उन उम्मीदवारों को बाहर होना पड़ रहा है जो 18 वर्ष की आय पूरी न होने पर ही पात्रता परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा या फिर शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है। काउंसलिंग पोर्टल पर खाली पदों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करेंगे और कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी अपडेट है दोस्तों। और इसी प्रकार की अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की जरूरी सूचना आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो क्या लगता है दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे सरकार हमारे साथ खेल रही है? मतलब आप देख सकते हैं ना, तो सारे पदों में, मतलब जो 20 जिले में इन्होंने रिक्तियां पद निकाल रखी है, और जो बच गए हैं बाकी जो ज़िले हैं, क्या उसमें सिर्फ जनजाति विभाग के शिक्षक रहेंगे? ऐसा क्या लगता है आपको? तो इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि जब उनको बताना था संयुक्त काउंसिलिंग होनी थी तो लिस्ट भी एक साथ ही निकालनी होनी थी उनको। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कब तक ये अपना विभाग का वो लिस्ट जारी करते हैं कि कितने पद खाली हैं जनजाति कार्य विभाग में, और कहाँ कहाँ कितने पद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, वो सारी तमाम प्रकार की चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।